आप अपनी औलादों का, अपनी औलाद का उनका ख्याल करें, टेक केयर करें, उनको बुराई से बचाएं, ये लाजिम है। हम अपने चक्करों में पड़े रहें, अपने बिजनेस, कारोबार, जॉब, पॉलिटिक्स और शोहरत, दौलत, सरबत, इज्जत, मनसब, मुकाम, और हमारी जनरेशन अगर तरतबा हो रही हो, नौजवान बच्चे बच्चियां, तो किस बात का हमारा सब कुछ है। इसलिए हमारे हमें अपना जो क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ, औलाद के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, रिलेटिव्स के साथ गुजारना चाहिए। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, नौजवान नस्ल जो नशा में मुबतला हो रही है, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, ना सिर्फ इस कंट्री में, पाकिस्तान में, बल्कि मैनी डिफरेंट कंट्री अक्रॉस द ग्लोब। तालीमी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उनमें आप अगर गौर करें, और ये वो चीज़ है जैसे मैंने पहले कहा, ये नौजवानों के मुस्तकबिल को तारीख कर रही है, उनको डार्कनेस की तरफ ले जा रही है, तारीख बर्बादी की तरफ। दुआ करें अल्लाह ताला सब की नस्लें और बच्चे महफूज रहें इस लानत से। और नौजवान नस्ल किसी कौम की पहचान होती है, नौजवानों पर इनसार होता है, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक की बात है कि जिनके जो मामार मुस्तकबिल के हैं, उनके हाथ में आप देखते हैं, जिस तरह इसको देखें ना, इस आदत के पढ़ने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। मैं आपको इस सेशन के ज़रिए से खबरदार करना चाहता हूँ, ये नशा की लत की तरह बिगनिंग है, ये फ्लेवर है, ये टेस्ट है, ये कुछ भी चीज़ है, ये भी जो भी फॉर्म है, किसी के बच्चे से दुश्मनी करने का इससे और कोई बुरा तरीका नहीं हो सकता कि उनके बच्चों को आप नशा पे लगा दें। और ये तालीमी इदारों में हो रहा है, ये स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, और बच्चे और बच्चियाँ उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, और ऐसे लोग जुल्म करते हैं अपनी जानों पे, अपने आखरत बर्बाद करते हैं कि छोटी अमाउंट के इवज़ उन तक नशावर चीज़ें पहुँचाते हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर दो अंदाज जो बिगिनिंग है नशा की, इंसान की हेल्थ को मुतासर करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ को मुतासर। स्पिरिचुअल ग्रोथ से मेरी मुराद फकत तसव्वुफ वाली बात नहीं है, जो इंसान की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है, उसकी मॉरलिटी होती है, अखलाकियात। नशई का कोई अखलाकियात उसके पास नहीं होते, नशई का कोई कोर कोल करार नहीं होता, नशई की कोई बात नहीं होती, इसलिए कि वो हवा में होता है। वो हवा में, आज मिसाल दे रहा था, उम्मादी बैठे हैं कि वो उसको जहाज भी कहते हैं बाजुकात, तो ये शुगल मेले वाली बात नहीं, मेरा दिल दर्द, खून के आंसू हो रहा है कि इनको बचाएं जहाज होने से भाई। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है, जो जिस तरह अखलाकियात को मुतासर करता है, हेल्थ को, और ये सिगरेट है या वेप है या ई सिगरेट है, फेफड़ों को मुतासर करता है। और इस पर रिसर्च आ चुकी है, अमेरिका में, दीगर कंट्रीज में सैकड़ों की तादाद में तजर्बात किए गए ई सिगरेट और इन चीज़ों के जरिए से लोगों को फेफड़ों की बीमारियाँ हुई, उनको फेफड़ों का कैंसर हुआ, और जाके उनके आखिर में मौत वाक़ हो गई। मौत खरीदी जाती है जो नशा करते हैं, बुरी आदतों को अपनाते हैं, इन आदतों से बचना इंतहाई ज़रूरी है। और इसमें मैं, लेट मी कंक्लूड, और मैं समझता हूँ कि इस पे जहाँ अब ये नुक्ता है कि तमाम चीज़ें हमने बयान की हैं, अभी इसका बहुत डिटेल है, लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि ज़िम्मेदारी बनती है वालिदैन की, पेरेंट्स की, अहले खाना की ज़िम्मेदारी है, स्कूलों में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूलों के हेड हैं, स्कूल के स्टाफ हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इन बातों का पूरा ख्याल रखें। और मैं ये पॉइंट भी बता दूं कि जो जिसमें मैंने बयान कर दिया, जो निकोटीन है, वो दोनों में, तंबाकू में, सिगरेट में और ई सिगरेट में, वेप में बराबर की होती है। और जैसा मैंने कह दिया उसमें स्मोक है, और जबकि ई सिगरेट में माया निकोटीन लिक्विड और फ्लेवर की सूरत में होती है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं ये बात। लिहाजा अगर हमारी सोसाइटी मॉडरेट एक सोसाइटी, एक जनरेशन है, वो कहते हैं जी ये जस्ट एक फ्लेवर है और इसका कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, मैं आपको अलर्ट करता हूं ये बर्बादी का रास्ता है। और इस पे जहां वालदेन, स्कूलों और अदारों और मदारस के स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जिम्मेदारी या पूरी सोसाइटी की, वहां गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी भी है, हुकूमतों को इस पर जो बने हुए कानून हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। बच्चियों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, शीशा खाने खुले हुए हैं, बर्बादी का रास्ता खुला हुआ है, इस पे आवाज़ बुलंद करना ये भी ज़रूरी है, इस पे बात करना ये भी ज़रूरी है, इस पर अवेयरनेस देना ये भी ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ हैं, जिनका काम ये है उस पे अमल दरामद करवाना, उनका उनका काम बनता है। या हमारे पास पुलिस ऑफिसर आते रहे जुमा पे,
उन्होंने आके मनुष्यात पे बात करते रहे। भाई मेरी और आपकी बात से फकत ये इस लानत से लोग छुटकारा तो नहीं पा सकते, इसके लिए प्रैक्टिकल अमली तौर पर इकदाम उठाने होंगे, और ये इकदाम गवर्नमेंट को, सबको, सोसाइटी को, माशरा को मिल के उठाने चाहिए। ये हमारे बच्चों की, बच्चियों की मुस्तकबिल का, फ्यूचर का, और अगली जनरेशन है उनके मुस्तकबिल का, उनकी कामयाबी और कामरानी का मदार इस बात पे है कि इस लानत और इस बुरी आदत से उनको बचाने के लिए हम पूरी तरह कोशिश करें, मेहनत करें, मुहिम करें।